तज्जेति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्याये दर्पण तल इव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र है। प्रकरण संलेखना का चलेगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ को कितना आधार बना पाते हैं विचार करेंगे, क्योंकि भाव ये है कि मूल यही प्रकरण चलेगा संलेखना का। तो जितने भी ग्रंथकार इसका जो वर्णन करते हैं वो हम थोड़ा सा यहाँ से देखने का प्रयास करेंगे। जैन धर्म का मूल उद्देश्य जीवन जीने की कला सिखाना है। जो भी हमारा पल जीवन में बीत रहा है वह निष्कषाय भाव से बीते, ये उसका प्रयोजन है। भगवान की देशना हमें निर्भर और निर्विकल्प बनाने के लिए है। ये बात दूसरी है कि भगवान का उपदेश हजारों वर्ष तक सुनने पर भी कोई मूल विषय वस्तु को नहीं पकड़ पाए तो कदाचित उसको चर्चा का ऊपरी आनंद तो हो ही सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इससे वह निर्विकल्प नहीं हो सकता। वादिराज आचार्य ने अपने स्तोत्र में एक बहुत अच्छी बात लिखी है। एक ही भाव स्तोत्र में वे ये कहते हैं कि कोई प्यासा जीव है रेगिस्तान में और पानी की खोज में यत्र तत्र घूम रहा है, उसकी शक्ति भी अभी हीन हो रही है, खोज करने के लिए भी अभी उसके पास शक्ति नहीं रही है। अंतिम उसके कदम चल रहे थे और जितने में ही उसको थोड़ा सा हवा का झोंका आया और उसने अनुमान से ऐसा जाना कि यहाँ पर कहीं पानी का स्टोरेज है, मे बी एन ओएसिस। ओएसिस समझते हो ना, होगा कोई पानी का छोटा सा राशि जिसको लेकर यहाँ पर इस रेगिस्तान में भी इतनी शीतल हवा आ रही है। अभी देखिए वहां पर आचार्य तो ये कहते हैं भले ही पानी की एक बूंद भी अभी इसने चखी नहीं है और मूल तो जल ही जीवन है, अब तो जीवन की ये हवा मिली है इसको, तो उस हवा ने भी खूब स्फुरित की है इसकी आशाएं, आशाएं इसकी अभी पल्लवित हो गई है जीने की। हाँ मैं अभी मरूंगा नहीं किसी भी कीमत पर, क्योंकि जीवन अभी मेरे से दूर नहीं है, है ना, दृष्टि में आ रहा है यहां यही पर कहीं पानी होगा, हवा बोल रही है। तो थोड़ी सी चेतना हो जाती है, कदम में लड़खड़ाते कदम में फिर से थोड़ी सी जान आ जाती है, इतनी जान तो आ ही जाती है कि वहां तक वो चले और फिर मूल जीवन का सेवन करे। जीवन समझते हो ना आप किसको कह रहा हूं मैं, बुद्धिपूर्वक प्रयोग कर रहा हूं मैं, जल का सेवन करे क्योंकि वो जीवन ही है, नहीं तो मरण है वहां तक नहीं पहुंचे तो। लेकिन इतना होने पर भी यदि कोई हवा के ठंडक में उस हवा के झोंके में ही वो उसी में ही संतुष्ट हो जाए आगे बढ़े ही ना, तब भी मरना तो उसका अनिवार्य है। मूल संलेखना के तो मैं बाद में प्रकरण उठाऊंगा, मूल समाधि तो जीवन जीने की कला है, समझते हैं। जीवन का प्रतिपल निष्कष और निर्विकल्प भाव में बीते, बहुत अच्छे शब्दों में कहो जो भी परिस्थितियां बाहर की बनती है उसको अनुकूल प्रतिकूल ना देखे, समझ में आता है। अनुकूल परिस्थिति में हर्षित ना हो, प्रतिकूल परिस्थिति में क्रोधित ना हो, यह मैं नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं परिस्थितियों को अनुकूल प्रतिकूल देखे ही नहीं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कितने जन पकड़ रहे हैं। देखो देखो अभी अभी थोड़ी सी बात हुई थी कल परसों, बाहर निकले फिर आपस में ही दो मंगल आरती कुछ मजाक चल रही थी तो
एक ने दूसरों की कुछ मजाक की तो दूसरे ने कह दिया ठीक है। दुर्जन में माध्यस्थ भाव रखने के लिए जैन धर्म ने कहा है हम माध्यस्थ भाव रखते हैं। तो मैंने ये कहा जैन दर्शन तो ये कहता है कि किसी को दुर्जन देखना ही नहीं है, और वो जो सूत्र आए हैं ना दुर्जन में माध्यस्थ, दुनिया में जिसको दुर्जन संज्ञा मिली है, हमारे यहां दुर्जन ऐसी संज्ञा पूरी डिक्शनरी में नहीं मिलेगी, समझ में आता है। सज्जन भी नहीं मिलेगी, क्योंकि सज्जन और दुर्जन यह अध्यात्म की डिक्शनरी में कम से कम नहीं मिल सकती, क्योंकि अध्यात्म की डिक्शनरी में त्रिकाली ध्रुव की चर्चा होती है और सज्जन और दुर्जन ये पर्याय की तरफ से देखने पर ख्याल में आते हैं। हालांकि हमारा चरणानुयोग भी इसको कवर करता है, मैं सर्वथा निषेध नहीं कर रहा हूं इसका। सर्वात्मा समदृष्टि दो आवचन ने हृदय लोको, नहीं तो ये दुर्जन है और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे गाली नहीं देना, मुझे कुछ नहीं करना, उत्तेजित नहीं होना कहने पर भी वो अनिष्ट कल्पना से तो नहीं बच रहा है, और अनिष्ट कल्पना से ही मूल बंद होता है। लोकलाश से, भय से, पूजा ख्याति लाभ पूजा दिचा, बोलो क्या है, बोलो मुक्ति करी करत क्या है, करत विविध देह दा, और कितना संक्लेश परिणाम भी उसके पीछे करता है। अच्छी गति भी मिलती है उपचार से उसको, बहुंतरिक में भी जाएगा लेकिन कोई उपलब्धि खास नहीं होगी उसकी। तो देखिए मुझे तो अभी क्या कहने समझने का प्रयास करो, ये चलेगी समाधि की भी नहीं, वैसे संलेखना की चर्चा चलनी है, लेकिन पहले समाधि को ही हम थोड़ा सा समझ ले। समाधि तो मूल में आत्मा का परिणाम है, हम जो यहां से करेंगे वो समाधि की चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, चर्चा करने के लिए बहुत टाइम लगता है और चर्या करने के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगता है, इतनी सरल है वो चर्या, उसको समझ में आता है। इसका तो एक प्रॉपर सिलेबस चलेगा, 15 दिन बराबर कोर्स चलेगा मेरा, आधा पौन घंटा जितना भी बनेगा मैं यहां पर लूंगा, तो 15 दिन में मैं थोड़ा बहुत बता पाऊंगा आपको। लेकिन समाधि ऐसी चीज है वो प्रतिपल कोई भी अनुभव कर सकता है। अभी देखिए थोड़ा सा अपन इसको समझते हैं, जीवन जीने की कला उसको मैं समाधि कह रहा हूं। आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पर बड़े बड़े शोज हो रहे, रविशंकर आदि के आप जानते होंगे, 25,000 रुपए टिकट ले रहे उसको, कितना 25,000, एंड आर्ट ऑफ लिविंग वैसे मुख से ही बोल के दिखाएंगे भी उसको, आपको क्या बोला मैंने। और मुनिराज का ऐसा जीवन है कि उनको बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, और फ्री फोकट का प्रकृति का शो है ये, और सब आओ और सब लूटो, एक किसी की ठेकेदारी नहीं है कि आमिर आए और आर्ट ऑफ लिविंग सीखे। आर्ट ऑफ लिविंग उनको तो और जरूरी है सीखना, वैसे तो कुछ समझ रहे हैं मेरी बात को, वे ज्यादा अकुलित है, लेकिन गरीबों को भी क्या, इज इट ओनली द प्रिविलेज ऑफ द रिचेस हाउ टू लिव प्रॉपरली। तो पुअर्स के हाथ में कुछ नहीं आएगा जीवन जीने की कला के रूप में, क्या सिर ठोकते बैठना यही उनकी फितरत में लिखा है क्या। तो जो those who can't afford the fees, what will they do then? Art of living. तो ये सब के लिए प्रकृति, इसलिए मैं कहता हूं मुनिराज एक खुली पुस्तक है, अरे अपने सम्यक दृष्टि जीव भी खुली पुस्तक है, लेकिन हालांकि उसको देखने का नजरिया पुस्तकों से ही समझना पड़ता है। अनुवृत्ति का जीवन हम देखें, ये जीवन जीने की कला है। अभी उपचार से भी कहे अनुकूल प्रतिकूल हर एक परिस्थिति में हम समता भाव धारण करें। समता मतलब ना राग करे ना द्वेष करे, ऑल द थिंग्स बोलो और ऑन देयर ओन प्लेसेस, इट इज द माइंड दैट मेक्स द हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल, वो बात। अभी समाधि और संलेखना को थोड़ा सा खड़ा करो। समाधि ये हर पल होती है, होनी चाहिए, उसी की चर्चा यहां से चलेगी। संलेखना एक विशिष्ट समाधि की बात है, विशिष्ट समाधि मतलब मरण के काल के समाधि को संलेखना कहते हैं। तो विशिष्ट रूप से इसी को क्यों उजागर किया, कुछ कारण है उजागर करने का। समाधि का क्या अर्थ कर रहा हूं भैया मैं, जीवन जीने की कला। अपन सामान्य शास्त्रीय भाषा में नहीं उलझे, समरसी भाव समाधि आदि आदि उसमें नहीं उलझे, जीवन जीने की कला। जीवन किसको कहते हैं, जन्म से लेकर मरण तक का जितना भी पैच है उसको कहते जीवन, इतना तो समझते हैं सब। एक जन्म का एक पॉइंट है और एक मरण का पॉइंट है, और उसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब जीवन इसको कवर करता है।
तो देखिए, तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, जीवन जीने की कला और मरने की कला। क्या? तो मरने की कला हमको यहां पर संलेखना के प्रकरण में सीखना है। कोई ये सोच सकता है कि जीवन तो जीने की कला हो सकती है, मरण मरने की कला क्या हो सकती है? कला कोई अलग नहीं बताई जाएगी यहां से। जीवन जीने की भी जो कला है, मरने की भी वही कला है। कला कोई अलग अलग नहीं होती। बोलो लाइन, बोलो दौलत राम जी को पूछो, कला किसको कहते हैं? व्हाट इज आर्ट, व्हाट इज ट्रिक? बोलो बोलो। आप रूप को जान पना, सम्यक ज्ञान कला है। देखो ट्रिक किसको कहते हैं समझ लो। मराठी में भी एक कहावत चलती है, शक्ति पेक्षा युक्ति श्रेष्ठ। क्या? गाड़ी स्टार्ट करनी है आपको, कहां पर कितनी ताकत से जोर लगाए ये महत्वपूर्ण नहीं है, वो सिंपल पॉइंट को दबाना है तो गाड़ी स्टार्ट होगी। सिंपल पॉइंट है वो, पर्टिकुलर पॉइंट, ट्रिक कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? वहां पर लिखा है ना स्टार्ट, बस उसको थोड़ा टच करना आप, और बाकी कहीं भी कितनी भी लाते मारोगे ऐसे थोड़ी ना वो चालू होती है, उसकी एक ट्रिक है। और हर एक चीज में होती। देखो आज एक्यूप्रेशर वगैरह चल रहा है, सब पूरी बॉडी दर्द हो रही है, सिर दर्द हो रहा है मान के चलो, आपको इतना सा पॉइंट यहां पर दबाते रहना है। वो कहते हैं ये ट्रिक है, इसको क्या कह रहा हूं मैं? ट्रिक। लेकिन यहां वह चूकोगे तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी। ट्रिक मतलब प्रकरण संगत बोलो, कला, कला जीवन जीने की कला बोल रहा हूं ना मैं। तो जीवन जीने की कला अथवा मरने की भी कला, वो कला कौन सी है? सम्यक ज्ञान। और ज्ञानी जीव को यह कला अवगत है। सबके बीच में भी वो कौन सी दृष्टि से देखता है, अपने जीव को किस प्रकार देखता है, जानन देखन शक्ति वाला, ये उसके सुखी रहने का रहस्य है। हर एक घड़ी में, हर एक प्रसंग में वो स्वयं को आत्मा देखता है। और आत्मा कौन सा? अमूर्तिक वाला। तो और भी आत्मा होते क्या? अज्ञानी ने इस समुदाय को आत्मा समझ रखा है, इसलिए हमको बार बार कहना पड़ रहा है अमूर्तिक पिंड को चेतन, जो बाहर के दर्पण में नहीं दिख सकता, समझ में? और जिसको देखने के लिए आपको आंखें नहीं खोलनी पड़ती, निरंतर अनुभव में जो आ रहा है उसको देखने की ट्रिक, कला ये ज्ञानी को अवगत हो गई है। और झट से कोई भी विकल्प उत्पन्न हो जाए, दूध कम मीठा है, ध्यान किसकी तरफ जाता है? किसकी तरफ जाता है? दिमाग में क्या आता है? पहले शक्कर, फिर हाथ कहां पर बढ़ते हैं? वो डब्बे की तरफ। जैसे कोई प्रॉब्लम आ जाए जीवन में, सम्यक दृष्टि के दिमाग में क्या दौड़ता है और कहां पर हाथ पैर दौड़ेंगे? उसके हाथ पैर किसको कह रहा हूं मैं? श्रद्धा ज्ञान चरित्र, ये हाथ पैर है आत्मा के। और कहां पर दौड़ेगा? अमरण तत्व को वरने के लिए दौड़ेगा। अमरण तत्व जहां पर, जिस गुप्त गुफा में बैठने पर कोई संकट दिखते ही नहीं, आप समझते हैं? और पर्य में जो जो बैठेगा उसको संकट दिखते हैं, वो दर्पण की वो पारदर्शी नेचर को नहीं समझ सकता। कांच के वज्र समान जो कांच के पारदर्शी पने के नेचर को जो नहीं समझता, वो हरेक जो ब्लो आएगा सामने से, ब्लो समझते हो ना, वो हर ब्लो के अगेंस्ट उसका रिएक्शन विंकिंग के रूप में होगा। विंकिंग समझते हो आप? अरे समझ रहे कि नहीं? हाँ ना, कुछ बोलो। किसने ऐसा हाथ किया एकदम अपने पलके झपक गई? ऐसे पलके क्यों झपकी? उसने तो टच नहीं किया तुमसे। और जिसको पार बीच की वज्र की दीवार की, पारदर्शी दीवार का रहस्य पता चल गया है, वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता। प्रकरण चलना है संलेखना का। ये विशिष्ट समाधि है, अथवा समाधि की, समाधि का विशिष्ट, विशिष्ट काल में की हुई समाधि है। कौन से काल में? ये मरण के काल में। यहां का एक शब्द है, देखिए पश्चिम, 175वां छंद होगा आपके इसमें, पश्चिम यहां पर लिखा है। व्हाट इज पश्चिम? इज इट एनी हाउ कंसर्ट विद द डायरेक्शंस? पूर्व पश्चिम। पश्चिम मतलब लेटर पार्ट। व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ लेटर? फॉर्मर। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जीवन को दो भागों में विभाजित किया जा रहा है, एक फॉर्मर और एक लेटर। फॉर्मर किसको कहना? ए पर बोलो अच्छे से, व्हाट इज फॉर्मर? बोलो मत, कोई बीच में बोलो मत, तुम बोलो। हाँ हाँ, अच्छे से बोलो। हाँ, प्रॉपरली कौन बताएगा इसका उत्तर? बोलो।
जीवन जीने की कला। अरे कौन सी धुन में हो भाई, बैठो, अच्छे से कौन बताएगा? एग्जैक्ट उत्तर चाहिए, तुक्के मत लगाओ, समय कम है ना अपने पास। फॉर्मर मतलब पूरा जीवन, जैसे 80 साल की किसी उम्र है तो पूरे 79.5 ले सकते आप, ये फॉर्मर पार्ट। पूरे लाइफ को दो भागों में विभाजित करना है, एक पूर्व एक पश्चिम, और पश्चिम मतलब केवल मरण का पैच। आप समझते हैं, मैंने तो 80 आपको समझने के लिए लिया है, वैसे मैं 40 भी ले सकता हूँ, 30 भी ले सकता हूँ, क्यों, मरने की तो कोई उम्र होती नहीं ना पक्की, ये तो हमारी मूढ़ मान्यताओं ने ऐसा एक नक्कीकरण किया है। कैसा, कि ये तीन पन होते हैं, तीन पन समझते हो ना जीवन के, एक बचपन होता है, फिर एक तरुणपन होता है, फिर एक बुढ़ापा होता है, फिर लगभग वो इतनी इतनी आयु जीता है आदमी, 70-80 जीता है, एक मोटा मोटा पैमाना है, बहुत जनों को देखकर एक एवरेज अपन ने खड़ा किया है, हालांकि किसी का कुछ नहीं बोल सकते, आप समझ रहे, एवरेज के कितने ही जन तो जन्मते ही मर रहे हैं, कितने ही जन तो गर्भ में ही मर रहे हैं, उनकी तो कौन गिनती करता है, ठीक है। चलो मुझे, मैं तो कहां तक आया, मुझे क्या कहना है, यहां का शब्द हमने खड़ा किया पश्चिम, ये कहकर मैं ये कहना चाहता हूं केवल उतने पार्ट के हमको चर्चा करने, उस 6 महीने की, कौन से 6 महीने की, ये तो फॉर एजम्पशन हमने 80 साल की उम्र खड़ी करी, 80 साल कोई जीता है और मान के चलो उसकी अनुकूल स्थिति रही 79 वर्ष तक और 6 महीने तक, अंतिम 6 महीने एकदम गड़बड़ा गई स्थिति और मरण सन्मुख आकर खड़ा हुआ है, तो अंतिम 6 महीने की स्थिति है उसकी संलेखना वाली है, ये केवल हमने कल्पना की है 80 साल की, एक कोरी कल्पना है। अरे जीवन मरण ही कोरी कल्पना है, अब पकड़ रहे मेरी बात को, ठीक। तो ये मरण काल की स्थिति के ही समाधि की चर्चा अलग से क्यों की जा रही है, जीवन भर के समाधि की चर्चा तो आमतौर पर जिनवानी में है ही, संलेखना की चर्चा क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है क्योंकि जीवन भर समाधि पालना वैसे तो सरल है, लेकिन मरण के काल में वो 79.5 वो भी बहुत हंसते हंसते किया होगा, लेकिन अंतिम 6 महीने बहुत मुश्किल से कटते हैं, तो इसलिए यहां पर गाफिल नहीं होना कहने के लिए अलग से प्रकरण आचार्य ने डाल दिया। आप पकड़ रहे हो, मैंने रत्नकरण साहब के आचार्य में तो काफी लिया है ये प्रकरण, मैंने कहा भी है मूल आचार में एक उदाहरण आता है, बोलो उदाहरण, रत्न से भरी कोई जहाज है और पूरे समुद्र तूफानों से जूझते जूझते बड़े बड़े मगरमच्छ से चट्टानों से टकराते हुए भी आखिर जैसे तैसे एट लास्ट वो जैसे तैसे किनारे पर आ पहुंची, रत्न से भरी जहाज और सबकी निगाहें उसकी तरफ लगी है। अब जानते ना बीच में ऐसी कुछ न्यूज आ रही थी कि जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें बहुत सारी संपत्ति किसी को, वो भूकंप ग्रस्त वालों के लिए पीड़ित को देने के लिए प्लेन जा रहा था, नहीं सुना आप लोगों ने? मैंने आप लोगों ने तो मुझे बताया, एक प्लेन जा रहा था और जिसमें वो नेपाल जा रहा था, वो किसी के भूकंप ग्रस्त वालों की सहायता करने के लिए पूरी सामान सामग्री रखी थी, उसमें पैसा भी खूब सारा था, वो क्रैश हो गया, वो खत्म हो गया, वो पैसा ही चला गया। अभी सबकी निगाहें किसकी तरफ चल रही है, वो पैसा जो यहां से निकला है बराबर वहां पर जाए, दोनों देशों की वही पर निगाह है। उसी प्रकार कोई जहाज निकला है रत्नों का, ये निगाह है कि वो जहाज जैसे तैसे पहुंचा किनारे पर और अबाउट टू रीच, बस पहुंचने को ही है ये जहाज और जितने में क्या नहीं हो सकता, अभी कोई वैसे खतरा नहीं है, इतने खतरों से पार करके भी यदि यहां पर किसी कारणवशात पलट जाए जहाज तो उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। तो जानते हो यहां तक का परमवीर चक्र उसको मिलने वाला नहीं है, उसको डांट फटकर ही सुनने मिलेगी, क्योंकि संपत्ति तो यहां तक आई नहीं ना। बोलो सिद्धांत बोलोगे, जीवन भर भले ही हमने व्रत संयमशील आचरण अच्छे से पाला किया, कुल प्रवृत्ति वश हो किसी भी वश हो, लेकिन यदि आगे के भव में आप लेके जाने में चूक जाओगे तो किए कराए पर पूरा पानी फिर जाएगा। और बहुत अच्छे से मैं ये कहूं, पंचम काल में तो बहुत आवश्यकता है इस संलेखना के प्रकरण की, क्यों क्यों पंचम काल में, क्यों अन्य काल में क्यों नहीं, ये स्पष्ट चंद्रगुप्त आदि के जो स्वप्न है 16 और
भरत जी के स्वप्न है ना 16 है ना यहाँ पर, तो 16 स्वप्न में स्पष्ट रूप से एक एक स्वप्न ऐसे आए हैं जिसमें स्पष्ट ये कहा जा रहा है कि युवा अवस्था में जोश के अवस्था में वो फटाफट व्रतों को और शील को अंगीकार कर लेता है, लेकिन चढ़ती उम्र में ये फटाफट उसको छोड़ देता है कुतर्क से। समझ में आता है, जितने होश से जितने जोश से उसने अंगीकार किया था फटाफट कुतर्क से उसको हटा देता है छठी उम्र में। तो देखो जैसे उम्र ढलने लगती है बड़े बड़े व्रती त्यागी भी कैसे चिग जाते हैं, तो कहते तुम नहीं चिगना, बड़े बड़े व्रती त्यागी यहां पर चिगे हैं, जीवन भर अच्छा फॉलोअप किया नारायण प्रतिनारायण का जीव, चक्रवर्ती होता है ना शुभम आदि ब्रह्मदत्तादि, जीवन भर बराबर सम्यक तो रहा, ये बराबर मरण के काल में कैसे तकलीफ खड़ी हो गई। समझ में आता है, तो मरण के काल में ही क्यों अवसर होते हैं संलेखना के बिगड़ने के, समाधि के बिगड़ने के। उसके कुछ कारण ये है क्योंकि एक साथ सभी प्रतिकूलताओं का आना उसका नाम बुढ़ापा। क्या बोला मैंने? उसका नाम बुढ़ापा होता है। एक साथ सभी प्रतिकूलता है, ये बीवी बच्चे आंख मोड़ने लगते हैं, हमारा योगदान खत्म हुआ होता है घर में, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता हम मर के भी जाए तो भी, क्योंकि अभी कुछ वैसे योगदान नहीं है, वर्किंग पर्सन होता ना प्रॉपर। मैं हमेशा कहता हूं ना, गांधी जी मर गए हमारा क्या बिगड़ा, हमारा कुछ बिगड़ा गांधी जी गए तो, वैसे कलाम चले गए हमारा क्या बिगड़ा, घबराना नहीं। वैसे मैं अच्छी चीज कह रहा हूं, क्यों, जितना उनसे मिलना था मिलने की संभावना थी बराबर हमने उनसे निचोड़ लिया था, अभी और गांधी जी से क्या उम्मीद कर सकते थे आप लोग, दो दो जन उनको चलवाने में लग जाते थे, दो महिलाएं उनको चलवाने में लगती थी, अभी उनसे क्या प्रयोजन की सिद्धि हो सकती। और फिर आप ये कह सकते नहीं साहब अकेले में बैठते बस ब्रेन वर्क उनको कुछ सजेस्ट भी करते, वो बात दूसरी है, अभी चर्चा वो नहीं है। मैं ये कह रहा हूं आजादी तो मिलनी थी तो मिल ही गई थी, 47 के पहले थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो जाता तब तो फिर जरूर इफेक्ट होता ही, लेकिन अभी स्वतंत्रता भी मिल गई थी और 48 में वे चल बसे गांधी जी, क्या बिगड़ता है हमारा, मुझे क्या कहना है। प्रकरण कौन सा चालू किया मैंने बोलो, प्रकरण टॉपिक बुढ़ा, मरण के काल में ही ज्यादा सावधानी की आवश्यकता, क्यों, क्योंकि मरण के काल में बुढ़ापा नहीं कहना हो तो मरण कहो आप, मरण के काल में एक साथ सभी प्रतिकूलता हमला बोल देते हैं। समझ में आता है, और इसको संभाले तो ये नाराज, उसको संभाले, और फिर डिप्रेशन एक ऐसी चीज है, दो पांच फेलियर्स हो जाए दैट इज इनफ टू डिसकंटिन्यू द पाथ। क्या बोला मैंने, कुछ समझते हैं क्या कह रहा हूं। प्रारंभ में ही देखो, ओपनिंग में कोई बैट्समैन आया क्रिकेट खेलने के लिए, कुछ नहीं, पहले दो तीन बॉल वो मिस कर जाए, कुछ नहीं, वो बस उसको टच नहीं कर पाए, डिप्रेशन में आ जाता है वो फटाफट, और फिर वो ओवरटेक करती है पूरी ऑपोजिट पार्टी, वो तालियां देगी, पूरा चीयर अप करेगा, उसको करेगा, आपको एक फोर से भी काम नहीं चलेगा, अभी दो चार फोर आएंगे फिर आपके पक्ष में पूरी पब्लिक आकर खड़ी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं सब प्रतिकूलताएं आ जाती है, बीवी बच्चे हमसे मुख मोड़ते हैं, और फिर तकलीफ यह है बच्चों को भी कमाना है, सब काम अपने अपने करने हैं, तुम्हारे पास कौन रुकेगा, तुम्हारे पास के लिए एक दो चार नौकर सौंप दिए और फिर खटिया पर ही लेटे हैं, बस लेटे ही रहो, और तो और क्या कहे, बीवी बच्चों की तो छोड़ ही दो, अपना शरीर भी अपने से मुख मोड़ने लगता है, हाथ पैर हिलना भी नसीब नहीं होता है, आंख, और फिर बहुत तकलीफ में घिर जाते हैं, और नई समस्या अंदर से यह होती है हमको इनकी सेवा लेनी पड़ती है। क्या, तो ये सब ये परीक्षा की घड़ी आ जाती है, देव दर्शन भी छूट सकता है, छूटता ही है, ठीक है, उत्तर उत्तर बढ़ते समय ये साधर्मियों का समागम ये भी छूटता जाता है, कौन कितने दिन आएगा तुमको, फिर यह एक प्रकार से ये वन मैन शो की बैटल चालू हो जाती है। वन मैन शो की बैटल समझते हो आप, अकेले लड़ना है तुमको, यदि तुम डेरिंग से नई तलवार उठाओगे कोई यहां पर तुम्हारे सहारे के लिए आने वाला नहीं है। अत्यंत तो पुरुष का स्थान में आकर खड़ा हुआ है, देखो जितने पुरुष से मैं अभी प्रवचन कर रहा हूं ना वो पूरा युवापन का जोश है,
और इतना जोश वहां पर वैसा रहेगा, ऐसा बोलचाल में ऐसी उम्मीद की बात नहीं रहती है। हमारा मन इतना युवा बना रहे बस, राज देश को कृष करने के लिए इस भाव में तो नहीं छोड़ूंगा बिल्कुल। अभी तक जो हुआ सो हुआ, जीवन भर जो हमने चक्रे काटी है भगवान की, है ना, प्रक्षल कर करके प्रतिमाएं जीर्ण की है, पन्ने खोल खोल कर बोलो ग्रंथों को भी जीर्ण किया है, उसकी आज घड़ी आ गई है। That will not be hopeless। आज तक जितना किया है, आज परीक्षा की घड़ी नहीं चूकना है, उसको कहते हैं संलेखना, उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस पर्टिकुलर समाधि को, समझ रहे हैं? लोक में भी जो सूक्ति प्रचलित है, बोलो अंत भला सो सब भला, ये इसी की तरफ संकेत करती है। जीवन में और तो और कुछ भी किया हो आदमी ने, भूल जाते। गांधी जी को कौन सी मुद्रा में याद किया जाता है? देखा है आज तक कोई चौराहे पर उनकी स्टैचू एक कोट के रूप में? अरे कोट के रूप में देखी है, पब्लिक उसमें प्रिफर करती है जिसमें उसका अच्छा काम हुआ है। और तो और कुछ कहे, अंतिम दशा उसकी कैसी रही है? गांधी जी को हर एक गांधी चौराहे पर आप देखेंगे वैसी अवस्था दिखेगी, आपको दूसरी अवस्था वाले गांधी जी नहीं दिखेंगे। अंत भला सो सब भला, जीवन में उन्होंने क्या किया है? पहले वैश्य सेवन किया होगा, बीड़ी तंबाकू क्या किया होगा, कोई नहीं देखता गांधी जी को। अरे वे स्वयं ही कह रहे भैया, हम जानते हैं, हमने देखा था इनको, वो वैश्य के पास गए थे गांधी जी, जानते ना आप लोग गए थे, जानते हैं, हमने देखा। अरे तुमने क्या देखा, हम ही बता रहे ना सबको। लेकिन वो नहीं आका जाएगा, और इससे विपरीत जीवन भर अच्छे काम किए और एकदम मरण के काल में बिगड़ जाए तो ठीक नहीं माना जाता लोक में, किया करा ऐसे मिट गया। मैं थोड़ी सी एक बात कहूंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले जमाने में कोट पलंग पर नहीं मारा जाता था, पहले जमाने में ये जमीन पर मारा जाता था। इसका रहस्य क्या है यह बहुत जानने का प्रयास किया। ऊपर क्यों नहीं मारा जाता था, नीचे क्यों मारा जाता था? तो ऐसा है, जितने भी जीव मरते थे वे उदात्त भावना लिए हुए जाते थे। ये संपूर्ण परिग्रह पोट उतार के लीनो चारित पद, जितना बुद्धिपूर्वक ये पलंग का भी त्याग करना, ये तो जमीन का त्याग नहीं कर सकते, मजबूरी है, लेकिन ये तो ऊपरी साधन है ना, ये नहीं समाधि के साधन आसन। लाइन आई है निरो निर्जर में, बोलो संस्तर पूजा संघ सम्मिलन, ये तो समाधि के अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय है भैया, यहां की तरफ से आंख मोड़नी पड़ेगी तुमको। चौथी ढाल का अंतिम पेज आपको दिमाग में आ रहा होगा, मरण समय संन्यास धार वाला, वो बैठा है चटाई पर बीचों बीच, याद आ रहा है? और नगण्य निग्लिजिबल कुछ कपड़े रखे है उसने अपने पास, ऊपर का तो कुछ ही नहीं रखा है, ये नीचे का थोड़ा सा रखा है, और बिल्कुल एक चटाई पर, गद्दी वद्दी भी नहीं चलेगी यहां पर, तो बिल्कुल नीचे बैठा है। सामने वाला पढ़ के दिखा रहा है, सामने वाला अपना विकल्प पूरा कर रहा है, कोई हमारा विकल्प थोड़ी पूरा करने बैठा है। हमने कभी अच्छी दशा में बोला होगा हमारे समाधि साध लेना, लेकिन हम कोई उसके भरोसे नहीं बैठे, समझ लेना, समझ में आता है? देखो मैं हमेशा ही कहता हूं, जो ये कहता है मेरे समाधि में सहयोग करना, उसकी स्वयं की कचास बोल रही है आज की। और जो ये कह रहे हैं मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, एक प्रसंग पढ़ने की बात अलग है। आप जानते हैं ना, मैंने यहां से अभी एक पढ़ा था 4-5-6 महीने पहले, बागचंद जी पर क्या स्थिति बनी, यहां पर भी प्रसंग पड़ेगा तो एक ये गाइड होगी मुझे देना, तत्वज्ञान भाग दो की, जल्दी तत्वज्ञान भाग दो की गाइड दो, एक आध होगी। बागचंद जी की स्थिति ऐसी कुछ बनी मरण के काल में, उनकी स्थिति यह बनी है, वो एकदम प्रतिकूल परिस्थिति में आकर खड़े हैं, और तब रात का समय है, रात्रि में कितने बजे, ये सबका कंटस्थ है, आप कल्पना नहीं करोगे, एक कोई बोलेगा ये छंद पूरा, एक जन खड़ा रहकर कोई छंद बोलेगा क्या? तुम खड़े रहो, खड़े रहो, बोलो। हाँ, रात रही दोपहर जब यम ने डाला जाल, घड़ी में कितने बजे है, घड़ी में क्या टाइम हुआ है, 12 बजे है, दो प्रहर बचे, दो प्रहर मतलब 6 घंटे अभी निकलने हैं, रात के बराबर 12 बजे, और यम ने डाला जाल, कैसी परिस्थिति में, ये विद्वान की बात है, भागचंद जी की बात चल रही है, ठीक है। हाँ आगे, ताबंदन को काटवे दियो परिग्रह डाल,
इसको लड़ने के लिए हथियार उठाने नहीं पड़ते, आज तक जो उठाए थे उसको छोड़ने फेंकने पड़ते, और पुरुषार्थ हथियार उठाने में नहीं है, वो कायरता की निशानी। या हथियार फेंको फटाफट। मैंने हमेशा कहा है युद्ध भूमि में भी किसी को झुकाने का एक ही तरीका रहा करता था, जितने भी पहले हुए निहत्तों पर वैसे वार नहीं कोई करता, नपुंसकों पर वार नहीं करता, जानते ना कुछ नियम न्याय, स्त्री पर कोई वार नहीं करता, थोड़ा भी ख्याल में स्त्री उससे लड़ते नहीं। हम किस मुंह से कहेंगे हम जीत गए, ये तो किस मुंह से कहे हम हार गए, वो तो बात ही नहीं कह रहा हूं मैं। क्षत्रियो हो उससे लड़ेंगे, आगे बोलो, आगे बोलो, अन्य हीन जाति वालों से नहीं लड़ेंगे, आगे बोलो ना। इसलिए तो कर्ण से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो अर्जुन, आखिर तक इससे कैसे लड़ूंगा, तुम अपना परिचय दे, तू क्षत्रिय का नहीं होगा मैं तुमसे क्यों लड़ू मुफ्त में। फिर तुम लोग दावा करते हो कि दलितों को पीड़ित करते हैं, तुम मेरे बरे बरे बराबरी के आओ तो बराबरी से निपट लेंगे, पहले तुमको प्रूव करना पड़ेगा तू कौन सी जात कुल का है। लड़ने के लिए भी आप जात कुल देखते हैं, हमने तो सोचा था शादी के लिए देखते हैं, हमारा कोई भी संपर्क होगा अच्छे वालों से ही होगा। बैठो तुम, मैं क्या कह रहा था वैसे, ये रात की स्थिति में आकर खड़े है, काटवे दियो परिग्रह डाल, ये परिग्रह डाल दिया। युद्ध में जीतने के लिए और एक उपाय, दूसरों को जीतना हो, मैं उपाय कह रहा था किसके ऊपर वार नहीं किया जाता, यदि कोई नग्न दिगंबर दीक्षा ले ले तो पूरा फोर्स पूरी ट्रुप्स हथियार वथियार फेंक फाक कर बराबर वहीं पर नतमस्तक हो जाते। अरे कितने ही शत्रु ऐसे शरणागत आ जाते थे, बराबर वे भी मुनि हो जाते थे। अपने रंग में सबको रंगा लो, ऐसी विद्या है, या ऐसी विद्या है कि दुनिया तलवारों से लड़ रही है, हमारे माथे पर घाव चल रहा, हमको कुछ ही ख्याल में नहीं पड़ रही है, कुछ भी प्रभावित नहीं कर पा रहे, ये कैसी विद्या है जो दूसरों को आकर्षित कर सकती है। और कई जनों ने, मैं तो हमेशा कहता हूं अभिमन्युवादी की स्थिति है, अभिमन्यु जानते हैं ना, अभिमन्यु को मारा दिखाते हैं वे लोग, षड्यंत्र से मारा दिखाते हैं ना, वो चक्रव्यूह में फंस गया फिर वो नहीं बाहर निकल सका, अपने यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये दिशा भूल करते हैं जैनेतर। हमारे जितने भी जन गए हैं, अभिमन्यु हीरो की तरफ की बात नहीं है, मे भी दुर्योधन, मे भी दुशासन, मे भी द्रोणाचार्य, एनी वन, वे सब अपने यहां युद्ध भूमि में संलेखना लेके गए, ऐसा कोई मरता ही नहीं था। तलवार हर एक जन नहीं पकड़ सकता, क्या बोला मैंने, क्या बोल रहा हूं मैं बोलो, तलवार हर एक जन नहीं पकड़ सकता। कम्मे सोरा सो धम्मे सोरा कहते ना, बात तो पुरुषार्थ की होती है, डेरिंग को बस कन्वर्ट करने की ताकत उनमें होती है, समझ में आता है। तो अंतिम समय में अभिमन्यु ने उस चक्रव्यूह के बीच में, ए इसका भी एक कैलेंडर फोटो बन सकता है प्रॉपरली, आपकी जब भी कॉम्पिटिशन होती है, अभिमन्यु फंसा है बीच में और उसकी एकदम, और एकदम उसके हाथ तलवार की तरफ फेंक कर, अभी उसको वार नहीं करेगा कोई, जैसे ही तलवार फेंकेगा पुरुषार्थ से, अभी सबका रुख होगा, ये क्या करेगा, रुख क्या होगा उसका, सब सुनिश्चित है, वो चालू हो गए केश लोच और नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, ये सब मुद्रा वहां पर एकदम रुख बदल जाता है वहां पर, समझ में आता है क्या कहा मैंने। अभी देखिए ये रात का समय है 12 बजे और यम ने अचानक जाल डाला है, इसका मतलब ये सो नहीं रहे थे, ये बात पक्की हो गई, वे सोते रहते तो फिर सोते ही रह जाते। आगे धर्मी को बुलाए आप, क्या किया इन्होंने 12 बजे, इन्होंने अभी तो मैंने पूरा लिया है महाराष्ट्र जब पढ़ा था उसके इंट्रोडक्शन में भागचंद जी का, मैंने तो एग्जाम में पूछा था ये छंद, मुझे कहा, मैंने कहा था सब मुझे कंठस्थ चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो फिर वो 12 बजे गए दरवाजे खटखटाने, टू नॉक, ये भैया धर्मी को बुलाया, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, कौन निकट हो, निकट हो तो कौन, आपने सूत्र सुना होगा कि कुसंगो नरकवासा, सत्संगो स्वर्गवासा, असंगो निस्संगो हम निस्सही, बोलो मोक्षवासा, ये तीन ही गतियां हो सकती है, वो गति तो हरेक के बस की हो ये नहीं कह सकते असंगो हम वाले, लेकिन जो साधर्मी जीवन भर हमने देखे हैं, अभी गए उनके दरवाजे खटखटाने, कितने बजे, हाँ आता हूँ साहब आता हूँ, ये कौन है, कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ऐसे ही इन सरीके ही होंगे कोई 10-5 अंदर बैठे, कैसे इन सरीके मतलब, अरे वो कहीं सो रहे होंगे, जरूरी नहीं है, कितनी कैसी बात है, पहले जमाने में अक्सर सब
समापन में, जीवन के समापन में सभी जन बाहर ही निकलते थे। घर में तो कोई नहीं मरता था, और मरता था तो मैंने बोल दिया आपको किस विधि से मरता था। एक आदर्श स्थापित होता था, अस्पताल आदि में तो जाने की बात नहीं। देखो मैं नहीं बोलूंगा तो कल कोई और बोलेगा। गुरुदेव के जीवन में जो भी कुछ हुआ मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, आप पढ़ लेना, उनका जीवन ही पुस्तक है। लेकिन आज भी अपर पक्ष वाले कुछ कम चर्चा के विषय नहीं बनाते इसको। किसको मरे कहा, कहा मरे आप जानते हैं? कहा मरे? अस्पताल में मरे गुरुदेव। अब फिर वो ये सुनने को उनको फुर्सत कहा है, वो साहब ये ले गए वो ले गए, तो क्या ऐसे चले चपटे थे क्या उनके? इतनी भी अकल नहीं थी क्या उनको? समाधि कराना चाहिए, इतना मोह में लिप्त वो इतना ही विद्या नहीं सिखा सके क्या? समझ में आता? अब सिखाई होगी, क्या हुआ होगा, तुम बेहोश हालत में कुछ भी कराओगे उनके साथ, लेकिन आया तुम उन्हीं के माथे ना, आप समझ रहे? क्योंकि शिष्य मंडली जिन्होंने तुमने ठोक ठोक कर तैयार किया, ये गलती नहीं होना चाहिए था। पहले जमाने में क्या होता था मालूम आपको? और मैं कहता हूं सुनो, देखो पहले जमाने में होता यह था, मैंने सुना है ऐसा अभी तो वे रहे नहीं है यहां पर जिन्होंने कहा, वे तो चले गए। उन्होंने ऐसा देखो बहुत कठिन परिस्थितियां बनी, ले गए डॉक्टर के यहां, फिर इलाज चल रहा है और चलते चलते कुछ गड़बड़ हो गया, मर गए। तो जानते हैं लीक कहीं नहीं किया, ये मर गया चुपचाप की पिन ड्रॉप साइलेंस। छोटे बच्चे ने पूछा वहां पर क्या हो गया, कुछ मत बोलो शांत रहो। और फिर वहां से उठाया और घर पर लाया, और घर पर लाकर फिर डिक्लेयर किया देवेश आधा घंटे के बाद कि ही इज नो मोर नाउ। तो बोले वो तो वही चले गए थे, छोटा बच्चा बार बार कहने लगा बीच में बोलना नहीं, किसी के सामने बोलना नहीं, किसी को यदि थोड़ा भी पता चले किस बात का देवेश कि अस्पताल में मर गए, हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा घर वालों का। क्यों? जीवन भर जो इन्होंने किया और तुमने मिटा दिया ना पूरा इनका, जीवन भर किए कराए पर पानी फेर दिया ना तुमने बच्चों ने पूरे, अस्पताल में ही भर्ती कराया ना। समाधि कितनी एक प्रोटेक्टिव एक प्लानिंग है, ये कोई चक्रव्यूह जैसी इससे कम रचना नहीं है। युद्ध के लिए जितनी प्लानिंग से उतरता है उतनी प्लानिंग से बराबर वो सामने खड़ा है। नहीं तो इन अज्ञानियों के बीच में रहेंगे कठिन पड़ेगी सल लिखना। अब जानते जिनेन्द्र वर्णी एक विद्वान थे, जिनेन्द्र वर्णी जी अच्छे विद्वान है, अच्छा जीवन रहा उनका, अच्छा ही जीवन रहा, ये एकमत सत्य बात है, सब सर्व सम्मत है ये। लेकिन क्या हुआ मालूम? उन्होंने मरण की स्थिति बनी उनकी, जीवन भर वैसे डटकर उन्होंने ग्रहित मिथ्यात्व का निषेध किया खोटे देव शास्त्र गुरु का, और मरण के समय में वे एक मुनि के आश्रय में जाकर, आश्रय में कहो आश्रम में जाकर वहां पर संलेखना लेनी चाहिए। तो उनको किसी ने पूछा भैया तुम यहां पर कैसे आ गए, तुम तो बहुत कट्टर निषेध करते थे, 28 मुलगुण को ही पालना ऐसे वे ही सच्चे मुनि है बोलते थे, तुम इनके पाले में कैसे आ गए? विद्यासागर जी के पास आकर संलेखना ली थी उन्होंने। तो फिर तो उन्होंने क्या उत्तर दिया मालूम? उनका उत्तर समझने लायक है। वो ये कह रहे थे, कहते थे मेरे संग में रहना मुझे मुश्किल हो गया है। किनका संग? जिनेन्द्र वर्णी का। उनका संग मतलब उनकी अपने अपने एक साधर्मियों का समुदाय, वे कोई मुनि तो है थे नहीं। अरे एक उपवास करना तकलीफदायक हो गया है, एक उपवास के नाम पर छह छह पांच पांच जन बराबर अंग पर आ जाते, भाई नहीं चलेगा ऐसा नहीं, हम तो खिलाएंगे। अरे हमको कुछ भी ठीक ठाक नहीं चलेगा, जिनको हमने विद्या दी जीवन भर अभी वे हमको संयम साधना में हेल्प नहीं करे, खाने पिलाने में और औषध में ही जीवन मरने के अंतिम क्षण तक ही इलाज करते रहे, हमको कैसे निराकुलता बनी रही? हम इनका पिंड छोड़ना चाहते हैं बस, हमका जान पहचान वाला कोई नहीं हो ऐसे स्थान पर जाने, ये तो बहुत मजबूरी में हम यहां पर आ गए। समझ में आता है? इनके लिए यहां पर नहीं आए, पुण्य करने के लिए पुण्य नहीं करता ज्ञानी, बोलो। वो तो शुद्ध भाव में जाने की ताकत नहीं है, एक बोलो, पाप में जाना नहीं है, इसीलिए देर पर वो वेश्या की कुटिया में घुस गया है चारुदत्त। क्या बोला मैंने, क्या बोला? वेश्या ने पूछा चारुदत्त को, तो फिर आया काय के लिए तू यहां पर? यदि तुझे मुझे भोगना ही नहीं था तो आया काय के लिए? फिर
तो चारिदत्त ने कहा भाई माफ करना, मैं तो वो जान बचाने के लिए यहां पर आया हूं, तुम्हारे पास आने के लिए तुम्हारे पास नहीं आया हूं। जान बचाने के लिए, जानते हो ना आप प्रथमानुयुक्त, तो समझते हो थोड़ा बहुत, वो महावत दौड़ रहा था बचाओ बचाओ जान बचाओ, तो ये चाचा ने फटाफट कहा तो जान बचा अपनी जा अंदर, वो तो मजबूरी के स्थान में आकर खड़ा है, सुनो लेकिन वहां पर राग करेगा दूषित होगा वो चारुदत्त। ये पुण्य करने के लिए पुण्य, मैं क्यों कह रहा हूं, वो क्यों गए वहां पर, कह रहे अपनों के साथ मुझे बिल्कुल नहीं रहना है। इसलिए समाधि के काल में बड़े बड़े मुनि भी अपने वितरागियों का संग, सभी वितरागी होते हुए भी संग साथ छोड़कर प्रसंग गमन कर जाते हैं। बड़े बड़े प्रकरण अपने देखे, याद है पिछले साल भगवती आराधना में बड़े बड़े प्रकरण थे ये प्रसंग गमन आदि आदि के, नहीं गया में किसी के, तो मरण के काल में ये प्रसंग में क्यों चले जाते हैं, जीवन भर आचार्य के रूप में रहे होंगे किसी भी रूप में, कि देखकर राग होगा देखकर फिर अनुशासन प्रशासन खड़ा हो, नहीं चाहिए मरण के काल में, एक विकल्प भी बहुत दुखदायक हो सकता है, अब नहीं होगा ये, बिल्कुल आई वॉन्ट टू कॉन्सेंट्रेट नाउ, समझते हैं। तो संलेखना को उर्दू करने का ये एक कारण है। देखो भक्तचंद जी का पूरा करते हैं, धर्मी को बुलाया आयु की चेताई, सबको बोल दिया भैया कि मेरी आयु खत्म होने को है, काल आन पहुंचो भाई हम सिद्ध शरण पाई है, काल आकर खड़ा हुआ है, वस्त्र दूरी डारी, भक्तचंद जी की बात कह रहे, वस्त्र को भी फेंक दिया, और एक बात समझो, ये कोई एंड टाइम हम भी कर लेंगे ऐसा कोई मार्ग नहीं है, इन्होंने ऐसा किया हम भी ऐसा कर लेंगे ऐसी बात नहीं, ये अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर एक रूप में देखो, ये सिलसिला बहुत लॉन्ग बैक से चलता आ रहा है, ये सिलसिला वैसे ही खड़ा नहीं हुआ। परमात्मा प्रकाश में प्रश्न पूछा क्या, कि हम भी अभिमन्यु आदि आदि की तरह, मधु राजा की तरह लास्ट मोमेंट में हम भी कुछ जुगाड़ लगा लेंगे, जुगाड़ मतलब हम भी कुछ ऐसा ऐसा कर लेंगे, फिर अंत में भरत जी कौन समझदार थे, हम सब जानते हैं उनका पोल पट्टी किसकी, भरत की, ये क्या क्या करते थे क्या क्या नहीं करते थे, एंड टाइम में हम भी कुछ ऐसे जुगाड़ लगा लेंगे। अरे जुगाड़ उगाड़ नहीं है ये इसकी ये सिलसिला बराबर चलता आ रहा है भेद विज्ञान का। ऐसे युद्ध भूमि में कोई दीक्षा नहीं लेता, युद्ध भूमि में जाते समय में भी कितना उनको तकलीफ हुई होगी, लड़ते समय में भी उनको भेद विज्ञान से थोड़ी भी चूके होते अचानक एक दशा कभी कदापि खड़ी नहीं हो सकती, वो निरंतर उनके दिमाग में घूम रहा है, अरे ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं ये ठीक नहीं, एक धारा दौड़ रही है अंदर में, जिसके बल पर फटाफट ले लेते थे। कहां तक आए अपन, वस्त्र दूरी डारी, ये वस्त्र हटा दिए, केश हाथ से उपारी, उनके अंतिम दशा की बात कर रहे हैं, पद्मासन को धारी, ये बहुत कठिन परीक्षा है वैसे, और ये जीवन भर से परीक्षा चलती है, एंड टाइम नहीं होती। मैं परमात्मा प्रकाश को बोल रहा था कुछ हम भी ऐसा कर लेंगे, तो क्या हेतु दिया वहां पर मालूम, ये राजमार्ग नहीं है, क्या बोला उन्होंने, गलती से ऐसा हुआ है उनसे, उनकी गलतियों का अनुकरण ना करें, वे पहले गड्ढे में गिरे थे और फिर अच्छे से चले थे, तुम भी गड्ढे में गिरना जरूरी नहीं है तुम्हारा, और फिर तुम ना समझे तो गए, टोडरमल जी की भाषा में उत्तर कौन देगा इसका, सम्यक ज्ञान चंद्रिका के पीटी का, हम भी एंड टाइम सब जुगाड़ लगा लेंगे, टोडरमल जी का उत्तर दो, किसी को गड़े धन की प्राप्ति होती देखकर हम तो व्यापार आदि में निरुद्यमी नहीं होते, क्या सोचकर बोला आप, क्या सोचकर कि हमको भी गड़ा धन मिल जाएगा, इक्के दुक्के को हाथ लगता है, तुम तो व्यापार करता रहे, किसी ने आज तक इसका प्रयास के लिए प्रयास नहीं किया होगा गड़े धन का, सिद्धांत के कैसे घटित किया, एक हाथ को कभी ऐसा हुआ होगा संलेखना अंतिम काल में, जीवन भर कैसे भी लगाते होते हुए, कैसे भी मतलब वो तुम समझ रहे कैसे भी ऐसा नहीं है, लेकिन तुम्हारे बस की नहीं है, बिगड़ जाएगा सब, हम ये कहते तैयारी करने वाले वहां पर चूक जाते, बिना तैयारी वालों का क्या हाल होगा, ठीक है। वस्त्र दूरी डारी केश हाथ से उपारी, पद्मासन को धारी बैठे तृण को बिछाई है, ये आसन जमा लिया उन्होंने,
अब सास की चढ़ाई पहर चार तक पाई। उनको कितनी देर तकलीफ बनी रही है? चार प्रहर तक, मतलब चार प्रहर मतलब कितने, दोपहरी में 12 बजे तक उनको सांस फूलती रही, तकलीफ बनी रही। तबे नवकार सुनाई, उन्होंने अपना विकल्प पूरा किया बेचारों ने, नवकार उन्होंने सुना दिया। इन्होंने इतना ही विकल्प किया, इनको और बैठो, इनका फिर निर्विकल्प हो गई, ए भाई तुम जाने नहीं, ए फिर तुम सुनाओ ना, तुम सुनाओ ना, ऐसे थोड़ी काम चलता है। वो भी एक हीन दशा थी, निचली दशा थी, जो बुलाने का भाव आया। फिर नौकर सब सुनाने लग गए उनको, और फिर तभी नौकर सुनाई, पास बैठे सब भाई है, बारस की तिथि पाई, दोपहरे पे दो बजाई, भाई जी पधारे पर गति शुभ पाई है। ये तो उनके एक साथी संगति ने बाद में फिर नोट करके रख दिया है ये सब, है ना, हजारीलाल जी बाकलीवाल, इन्होंने फिर ऐसा कुछ जो भी है लेखक, उन्होंने जो साथी संगति थे उन्होंने उनके बारे में लिख दिया कि फिर ये जरूर रूप से इन्होंने अच्छी गति पाई होगी। ठीक है, चलिए अपन कहां तक आए हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है अपने पास, मैं इसी को लूं थोड़ा सा। अभी देखिए कल मूल छंद की तरफ हम बढ़ेंगे कल। हाँ बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए बोलिए, शल्य ना रहे, हाँ बोलिए बोलिए, हाँ 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 बराबर, हाँ बराबर, ऐसे भी हुआ होगा कुछ, कहने की बात यह है कोई अभक्ष्य दवा तो तब भी नहीं खिलाई थी। नहीं प्रमाण नहीं चाहिए आपने को कुछ, हाँ बराबर है, लेकिन उनके जो उस समय साथी वहां थे उन्होंने ना संधारा लेने दिया, हाँ बराबर है, अस्पताल से बाहर निकाला, हाँ, और गुरुदेव की ऐसी दशा हो गई कि इतनी पीड़ा थी, इतनी पीड़ा थी कि उनको पेशाब नहीं, और उसी समय उनका शरीर छूटा, उनका उस समय भी भाव था ये संलेखना वाला संधारा लेने, बराबर बराबर बराबर, हाँ बराबर। संथारा वर्ड समझते हैं आप लोग, संथारा इज अ प्राकृत वर्ड, संथारा का शाब्दिक अर्थ, संथारा को भी लेने मेरे सब दिमाग में है क्या क्या लेना है, अभी आया है तो मैं बोल दूं आपको। संथारा का शब्दशः अर्थ आहार का त्याग होता है, संथारा का क्या अर्थ लिया, आहार का त्याग। अब फिर भूल नहीं करना, एक कौन सी भूल नहीं करना, आहार मतलब वैसे आप लोग क्या समझे, मैं हमेशा एक बात कहते रहता हूं आपको, आहार का त्याग मतलब क्या, आहार मतलब होता है ग्रहण, तो ग्रहण का त्याग मतलब क्या, विषयों के ग्रहण का त्याग, विषय मतलब अरे पांच इंद्रिय संबंधी विषय के ग्रहण का त्याग, उसको कहते हैं आहार का त्याग। और आहार का त्याग वो नाम पाता है उपवास, जिसको हम कहते हैं इसी को संथारा कहते ही है, लेकिन ये कैसे उपवास है, ये अजीवन अब खत्म सब, इसको संथारा कहते हैं। संथारा का और भी एक अर्थ बन सकता है, वैसे संथारा कैसे प्रचलन में आया मैं बता रहा हूं आपको। संथारा एक मूल शब्द है संस्तर, नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैंने इस साल खूब लिया है नाइन्थ वालों को, वे अभी है नहीं ना यहां पर नाइन्थ वाले, हाँ तभी तो, हाँ एक संस्तर वर्ड है संस्तर।
संस्तर उसको कहते हैं कि घास जैसी एक प्याल, चावल का प्याल होता है ना, जो किसी काम में नहीं आता, ऐसा घास जो मैट जैसा बिछाए, तो उसको मरण के काल में यदि उपयुक्त लगे तो उस पर लेटाया जा सकता है क्षपक को, क्योंकि मरण के काल में उसकी स्थिति बुढ़ापे के सन्मुख होगी, रोग युक्त होगी, हड्डियां चुभने लगती है जमीन की भी, तो फिर एक उतना प्रावधान है, तो उसको कहते हैं संस्तर। जिसको हम बिस्तर कहते हैं ना, बस उनका वो हो गया संस्तर। लेकिन ये ऐसी छटाई नहीं चल सकती उसको, क्यों? इसमें सिलाई पड़ गई, आरंभ हो गया, परिग्रह हो गया, जिसका क्रय विक्रय दुनिया में हो सकता है, ऐसी कोई सामग्री का प्रयोग वे नहीं कर सकते। इसलिए घास वो भी परिमार्जन करेगा, पहले कोई मुनि परिमार्जन कर करके बिछाएगा बराबर, और फिर उनको लेटाया जाएगा वहां पर। संस्तर, तो संस्तर मतलब ये अंतिम हालत उनकी। तो ये संस्तर का रूप बिगड़ते बिगड़ते फिर संथारा के रूप में प्रचलन हो गया। संथारा कहो, संलेखना कहो, ये एकार्थवाची है, अथवा समाधि मरण कहो, ये तीनों एकार्थवाची। आप पकड़ रहे हैं अभी क्या है मूल उसका, फिर कैसे वो त्याग करते जाने एक देश आदि आदि, ये बड़ा विषय है, उसकी देखेंगे अपन, समय सापेक्ष चर्चा की जाएगी। ओम नमः।